वेलकम दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी वैसे आफ्टरनून हो चुका है और आज मेरे लिए दिन इतना अच्छा है क्योंकि अब हम साथ में मतलब खाना उठना बैठना सब कुछ साथ में कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कि भाई मेरा दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी टेंशन में है श्रीमती जी, जो चलते हैं उनके पास में और पता करते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो हाँ श्रीमती जी, किस बात की टेंशन आपको ज़्यादा हो रही है इस समय, बताइए प्लीज़। लॉकडाउन है, कहीं घूमने को नहीं मिल रहा ये नॉर्मली मुझे लगता है कि इस समय हर गृहिणी की चिंता होगी इस टाइम पे। इधर साथ में चलेगा ग्लैमर, साथ में देखते हैं। मुझे लगता है ना कि हर गृहिणी की सब चिंता होगी इस समय कि लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन लगने के बाद में मैं अपने माइक कैसे नहीं जा पा रही। हाँ भाई, सब और कहीं यहीं रुकेंगे तो यहाँ पे क्या व्यवस्था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये अपने मायके नहीं जा सकते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ साल भर ऐसे लॉकडाउन में साल भर नहीं जा पाया मैं। मतलब कई पति होते हैं वो सोचते हैं उनकी पत्नी कब मायके जाएगी कब फ्री। मैं सोचता हूँ जरा मायके इतनी दूर है और थोड़ा दूर होता ना 1500 किलोमीटर और इंडिया के बाहर ही होता तो थोड़ा अच्छा रहता। वीजा लगवाओ, ये करो वो करो, तो करवा नहीं सोचेगी, बहुत पैसा खर्चा होगा, देखा तो जाती ही नहीं। तो मुझे लगता है बहुत सही, थोड़ा सा और दूर होना चाहिए, 10-15 हज़ार किलोमीटर और दूर होता मेरे लिए बड़ा अच्छा। क्या करेंगे मैके जा करके, पति के साथ रहो, पति से लड़ाई करो। घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलने थे, घर में टी शर्ट लोअर बस। हाँ आप अधिकतर वीडियो में ना इनको इसी टी शर्ट और इसी लोअर में देखोगे, क्यों? क्योंकि ना वहाँ कंडीशन नहीं है, कंडीशन कुछ नहीं है, कपड़े वपड़े पहनने में बिल्कुल ठीक ठाक है। बस ये है कि इनको है ना मतलब घूमना फिरना अच्छे अच्छे कपड़े पहना, इनको क्या नॉर्मली हर लड़कियों के साथ में होता है, हर लड़कियां चाहती है कि अच्छे कपड़े पहने घूमे फिरे। पर लॉकडाउन की कंडीशन मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा बेटर, आप सब जान पाते होंगे, तो उसका हर जाना ये हो गया लॉकडाउन। ये मुझे लगता है ना इन जैसे लोगों के कारण ही लॉकडाउन लगा हुआ है। कोई नहीं, आज 4 मई है, हाँ आज 4 मई है और आज की न्यूज़ में गया है, आज की न्यूज़ में ये अपडेट आई है कि मतलब पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे वो निकलने कम हो चुके हैं, हम बहुत स्पीड में उनकी कमी हो रही है। तो जिस हिसाब से रिपोर्ट में बताया है और जिस पर मैंने न्यूज़ में देखा है कि पहले ही गुड न्यूज़ आई है, मुझे कन्फर्म है 2 से 3 मेरा लास्ट। हाँ यार ये है कि ये मई मई का महीना है, ये आपका बहुत टिपिकल होगा, बहुत टेंशन वाला निकलेगा, घर से बाहर नहीं जाना होगा, 20 तारीख तक लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है, क्या पता हो सके 20 से भी आगे चला दे क्योंकि भाई रिजल्ट मिलने लग गए हैं, पेशेंट्स कम निकल रहे हैं इस समय कोरोना पॉजिटिव के, तो हो सके इस कारण से ये पूरा मई का महीना घर के अंदर ही निकले, ज़्यादा घूमने को ना मिले। पर यार देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिंदगी को हाथ से गंवा देना उससे बेटर है कुछ दिन घर बैठ करके अपने फैमिली से लड़ाई करना। आपकी शक्ल देख देख के भी बोर हो गई हूं मैं। पापा की शक्ल जैसे नहीं है, उसके पापा टकले नहीं है, तो टकले से फिल्म स्टार थे वो, इतने बड़े सुपरस्टार थे आप क्या? मैं एक सुपरस्टार का पति, भूख लग रही है और इस मेरे सुपर, ये मेरा छोटा सुपर स्टार है जो दिमाग से बिल्कुल मंद बुद्धि है। अब देख लो घर से निकल गए ना, अब इस लड़की को ये पता नहीं कहाँ जाएगी, मुंडी टेढ़ी हो चुकी है लड़की की, अभी ना कोई आता पता नहीं, घूम देंगे ऐसे बस। ये हमारे बचपन का वो चीज है, देख तो कोई पता नहीं है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, बस निकल लेंगी। अब देख लो कोई सीन सिर पैर नहीं है, अंदर से निकली वापस पूरा घूम रही थी उधर से। हाँ जितने पागलों की हरकत होती है सब ये करती है। मुझे लगता है कि नानी के गुण आए हुए हैं इनके अंदर, है ना बेटा? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ। क्या बोल रही हैं जी? बेटा हमारे घर में ना सब समझदार हुए हैं, टोटल तो उन्होंने जैसा कि हाँ बोला है कि इनके अंदर इनके नानी के गुण हैं, वो बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। देख लो हरकत,
पहले ही, पर हाँ यार यानी कि भिंडे का पूरा सत्यारा सोच रखा हुआ है, भिंडे का पूरा लगी हुई है महल अच्छी तरह से। क्यों उठते 11 बजे रात को सोते रात के 11 12 बजे तक लेके तो घूम नहीं आती, क्योंकि पहले यार काम होता था, अब काम नहीं होता है, तो काम नहीं होने के कारण नींद नहीं आती या फिर नींद नहीं आती, तो यार सुबह देर से उठा होता है, क्योंकि करते 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 एक दो बजे सोते हम सब, और सोने के बाद अच्छा। और ये है ना जो मेरा बच्चा है ये कभी कभी दिमाग वाले काम करता है, बाकी टाइम पे सारे जितने बेवकूफ वाले काम करते हैं ना सारे है जी। क्या नॉर्मली क्या है नॉर्मली क्या है टाइम पे सोते हुए और उठते बैठते नहीं, जिसके कारण हमारा पूरा दिन मेरे शरीर खराब हो रखा है। देखो यार मैं एक चिंता हूँ, मैं वर्किंग में हूँ पर ऐसे मैं काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे मैं कॉल करता हूँ, मेरा कंसल्टिंग का काम है, तो जैसे ही मैं कॉल करता हूँ एक या दो या तीन कॉल करता हूँ, तो फिर उसका क्योंकि एक कॉल कम से कम मिनिमम 45 मिनट आधे घंटे की जाती है, जैसे वो कॉल करता हूँ मेरे चेस्ट में हल्का दर्द होता है, सोच रहा हूँ एक बार कैसे भी ये मतलब एक बुरा समय मानो या जो बेकार टाइम चल रहा है तो एक बार निकल जाए, एक बार निकल जाता है तो उसके बाद में आराम से काम करूँगा और चलते हैं। खाना निकल चुका है, मुझे गुस्सा करने लग जाएंगे, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो खाना निकल चुका है। और खाने में हम आज क्या खा रहे हैं, खाना आज हमारा है राजमा चावल, जो इनका बहुत फेवरेट है ना। क्या बोल दिया मुझे जी ने, फिर से बोलो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। घर का शुद्ध बना हुआ खाना। अगर पहले ये सारी बातें बोल देती तो क्या मुझे नहीं, अंग्रेजी में ही क्यों बोलती है लड़कियां, मेरे समझ में ये नहीं आता, और खास तौर से कैमरा के सामने क्या किसी को पता है इसके बारे में। तो अभी देखो ये हम ऐसे आराम से ऐसे कमरे के अंदर कूलर चला लेते हैं बहुत लो स्पीड के अंदर, क्योंकि लो स्पीड में चलता है तो अच्छा खासा रहता है उसके अंदर, ठीक है, और ठंडक भी बनी रहती है। ये हम चीनों की थाली आ चुकी है, यहाँ पे देखो आराम से बैठा है, ये मेरा ऑफिस का पूरा सेटअप लगा रखा है मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मैं बैठ करके कॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ मेरी जगह पे, तो सही। अब लंच कर लेते हैं, लंच करने के बाद में फिर मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। गुन्नो कार्टून देखोगे, कार्टून है, कार्टून देखोगी, भाई देखो कार्टून का नाम लिया है ना तो कैसे परेशान हुई कार्टून देखने के लिए, चलो देख लो कार्टून। आज की इस पूरी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ कि अच्छा दिन लगा होगा आपको देखने के अंदर वीडियो के साथ में, और जितनी भी हमारे मेरे साथ जितनी भी पूरी दिन की जो जो चीज़ें हुई थी वो मैंने सबके सब रिकॉर्ड की इसके अंदर। अच्छा लगता है वीडियो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करो, कमेंट करके जरूर बता रहे हैं वीडियो को कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो कि अपनी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल, थैंक यू।